अगर हुस्न के नशे और जहर का कॉकटेल बनाया जाए तो हसीन से हसीन चेहरा भी बदनुमा हो जाता है, काला हो जाता है। वो भी कुछ ऐसी ही थी। वो सिर उठाती तो थम जाती सांसों की जुम्बिश, वो नजर घुमाती तो नीयत से हो जाती रंजिश। शबनम सा मिजाज है उसका, अलहड़ सा अंदाज है, जुर्म ही तो उसका रिवाज है, गुनाह करना उसकी फितरत, अदावत उसका शौक और पहचान सकीना। आइए आपको दिखाते हैं गुनाह की दुनिया की एक ऐसी ही दास्तां जिसकी किरदार है एक हसीना। काश का जिस्म कहीं टूट न जाए, हुस्न वाले तेरी अंगड़ाइयों से डर लगता है। तपिश उसके हुस्न की न जाने कितने ही आशिकों के दिलों को जला गई। उसकी मदमस्त जवानी की एक झलक ने कितनी ही आंखों में नूर ला दिया। नमकीन से अपनी जवानी से उसने न जाने कितनों की जिंदगी में जायका ला दिया। आज जिद कर रहा है दिल, आज जिद कर रहा है दिल। अंग अंग उसका ऐसा तराशा है ऊपर वाले ने, जिसकी तारीफ में कवि अपनी रचना भूल गया। बला की खूबसूरती की है वो मल्लिका, जिसे इस लोक में भेज खुदा भी पछताया। रूप की है वो रानी जिसकी बनी दुनिया दीवानी। अल्फाज हो जाएंगे कम सुनाते हुए उसके हुस्न का फसाना। वो है एक जहरीली हसीना। मुस्कुराते हैं तो बिजलियां गिरा देते हैं, बात करते हैं तो दीवाना बना देते हैं। हुस्न वालों की नजर कम नहीं खयामत से, में वो नजरों से लगा देते हैं। इबादत के बाद मिलने वाला सुकून है वो, पाकीज़ा सा हुस्न उसका कोहिनूर है वो। लब भी थर्रा जाए जिसकी तारीफ में, इतनी रूहानी हूर है वो। अदाओं से अपने जो तपिश बढ़ाए, अंदाज से अपने जो बिजलियां गिराए, खंजर से भी तेज है जिसकी अदाओं की धार, फीका है जिसके हुस्न के आगे हर जाम का नशा। दीवानों के दिलों की रानी, कद्रदानों की वो अरमान, जो बनाना चाहती है दुनिया को अपनी दीवानी, वो है संजना गलरानी। गलरानी गलरानी तेरा मुस्कुरा देना जैसे पतझड़ में बहार आए, जो तुझे देख ले वो तेरे हुस्न में ही खो जाए। उस हसीना के हुस्न को देखकर आंखों को ठंडक मिलती थी, लेकिन उस हसीना का असली चेहरा तो कुछ और ही निकला। उसके दीवाने उसकी चाहत में मदहोश थे, लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आई तो पता चला ये कन्या तो विषपान का सौदा करती है। यूं तो माया नगरी में छा जाने का सपना लेकर लाखों हर रोज मुंबई पहुंचते हैं,
ऐसा ही ख्वाब संजोए उस हसीना ने बॉलीवुड में दस्तक देने की कोशिश की। हिंदी फिल्मों में पहचान तो नहीं मिली, हाँ ये जरूर रहा कि कुछ बड़े स्टार्स के साथ एक दो कॉमर्शियल्स करने का मौका मिल गया। हसीना इस गुलस्ता की गुलफाम तो नहीं बन सकी, हाँ खूबसूरती का जाम छलकाने को उसने रुख किया दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का। जहाँ उसने कम सी उम्र में ही अपनी अदाओं से कहर ढा दिया। रूपहले पर्दे पर उसे शिखर तक का सफर करना था और इस सफर में कुछ भी सिफर न रहे, इसके लिए वो सिनेमा की सनसनी बनने को भी तैयार थी। पर्दे पर उसके सीन्स लोगों की आह निकाल देते थे। और उसका ये बिंदास अंदाज उसे मशहूर करता गया। साउथ की फिल्मों से जितना हीरो की मारधाड़ आवाज नहीं करती, उससे भी कहीं ज्यादा संजना का शबाब शोर करता है। ऐसा नहीं था कि संजना को उसकी बचपन में अच्छी तालीम नहीं मिली, अच्छे संस्कार नहीं मिले। संजना उर्फ गुड्डी उर्फ अर्चना उर्फ अर्चू, जाने कितने नामों से उसे पुकारा जाता है, वो जन्मी थी बेंगलुरु में, स्कूलिंग हुई अमेरिका के न्यूयॉर्क में और कॉलेज की पढ़ाई के बाद सपनों की उड़ान उसे वापस हिंदुस्तानी सरजमीं पर लेकर आई। जहाँ उसका एक ही मकसद था, अदाकारी के आसमान पर अपना नाम लिख देना। उसने मॉडलिंग से अपने करियर को संवारने की कोशिश शुरू की। संजना को कई टीवी कॉमर्शियल्स भी मिले। मेकअप परफॉर्मेंस प्रति విషయంలో చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటాను ఎట్ ది సేమ్ టైం నా మొబైల్ విషయంలో కూడా। लेकिन फिल्मों में एंट्री साल 2006 में तमिल फिल्म ओरु कड़हल सेवियर से मिली। बतौर कन्नड़ अभिनेत्री संजना का करियर अच्छा चल रहा था। अपने हॉट अवतार की वजह से वो इस इंडस्ट्री में ग्लैमरस बाला के रूप में भी जानी जाती थी। लगभग 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अब उसके लिए मुंबई के रास्ते तो खुल ही चुके थे। बड़े पर्दे पर ना सही, लेकिन छोटे पर्दे पर तो खुल ही गए थे। संजना का बोल्ड एंड हॉट अवतार धीरे धीरे उस दक्षिण भारतीय फिल्मों से माया नगरी के लिए रास्ते खोल रहा था। शोहरत अब उसके कदम चूमने को तैयार थी। संजना को एक बड़े चैनल के शो में काम का ऑफर भी मिला, जहां संजना की धुआंधार एंट्री हुई और उसके हुस्न की तारीफ भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना गलरानी है। गजरानी? गलरानी, रानियों की रानी संजना गलरानी। अरे वाह, I like the confidence। हालांकि इस शो में संजना का सफर कुछ खास नहीं रहा और शो को कोरोना की वजह से बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन अब उसके हाथ में एक लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऑफर आ चुका था।
It's a super treat. It's a web series and it's the beginning of a new journey for me in this wonderful city of Mumbai. पर्दे से हुस्न का जाम छलकाकर अपने चाहने वालों को मदहोश करने वाली हसीना जिंदगी की बुलंदियों की तरफ अब तेजी से उड़ान भर रही थी। लेकिन तभी बेलौस हुस्न की असली सीरत का खुलासा हुआ। अपने अदाओं से सुरूर चढ़ाने वाली उस हसीना का सच सामने आया, जिसकी झलक, जिसकी नजाकत, जिसकी शौकियां उसके चाहने वालों को मदमस्त कर देती थीं। दरअसल वो खुद नशे की आगोश में थी। उसके तार हर सफेद जहर से जुड़े थे जिसने उस हसीना को बना दिया जहरीली गुड़िया। जहरीली गुड़िया, जी हाँ, अपनी खूबसूरती से दीवानों को मदहोश कर देने वाली संजना खुद नशे की गिरफ्त में थी। और जैसे जैसे ड्रग्स मामले में तफ्तीश आगे बढ़ती चली गई तो एक के बाद एक कई नाम सामने आए। छह लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद सीसीबी ने संजना के घर पर भी छापा मारा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड में सफेद जहर का काला कारोबार चल रहा था। पार्टियों की आड़ में नशे का धंधा फल फूल रहा था। ग्लैमर के साथ नशे का कॉकटेल इन रंगीन पार्टियों का वो हिस्सा बन चुका है जिसमें बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। यहां मस्ती भी होती है, नजदीकियां भी बनती हैं, पहचान भी बनती है और पैसा भी। वो ड्रग्स इसलिए लेते हैं कि उनका परफॉर्मेंस एक हाई लेवल पर आ जाए, इस कारण भी लेते हैं। और जब ये शुरुआत करते हैं ऐसा, वो एक हैबिट बन जाता है। और आदत जब जरूरत बन जाए तो कदम डगमगाते देर ही कहां लगती है। वही हुआ हुस्न की उस मलिका का हसीन ख्वाब सफेद जहर की लत में इस कदर बदरंग हुआ कि हसीना पहुंच गई सलाखों के पीछे। जगह जगह संजना के ड्रग्स कनेक्शन के लिए छापेमारी हुई। सनसनी तो फैल चुकी थी क्योंकि सैंडलवुड के दो हसीन चेहरे रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी पर ड्रग्स की कालिख पुत चुकी थी। हमारे सारे एक्यूज बराबर हैं, लिखित हैं और हम जिनके आगे जैसे एविडेंस आ रहा है वैसे काम चल रहा है। काम का पुलिस जिस से कानून के हिसाब से होना चाहिए। अभी इसमें हमारे पास में छह लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ग्लैमर भरी जिंदगी में ड्रग्स का पता तब चलता है जब शायद गुलिस्तां बर्बाद हो चुका होता है। उस हसीना के साथ भी कुछ ऐसा ही था, ड्रग्स का नशा और फिर उसके अपने तेवर। जी हाँ, इसी ड्रग्स ने उसे सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया, लेकिन जो नहीं बदला था वो थे उसके तेवर। ड्रग्स कनेक्शन ने हसीना को बेनकाब कर दिया है, लेकिन तलखी में कोई कमी नहीं आई। पुलिस लगातार ड्रग्स से जुड़े तारों को तलाश रही थी और संजना के जरिए इसकी जड़ों तक पहुंचने में ज्यादा मदद मिल सकती थी। लेकिन हसीना के नखरे अब भी कम नहीं हुए। ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे ने भले ही इस जहरीली गुड़िया के असली चेहरे को सामने ला दिया हो, लेकिन विवादों से इस हसीना का नाता बेहद पुराना है। जिस्म की नुमाइश को अदाकारी का नाम देकर न्यूट सीन देने वाली संजना चौतरफा आलोचनाओं में घिर चुकी है, लेकिन यह हसीना खुद को रोल मॉडल के तौर पर दिखाने की हसरत पालती है।
childhood dream to be an actress, and I don't have a role model really. I've laid my foundation myself, working in above 25 films by now with a lot of hard work and difficulty. हसरतों की उड़ान के सहारे पहचान बनाने की ख्वाहिश ने इस हसीना को पहले भी विवादों के साथ जोड़ रखा था। पर्दे पर हॉट सीन से दर्शकों का पसीना निकालने वाली संजना रियल लाइफ में अपने हॉट मिजाज के लिए चर्चा में रही। जब तकरीबन 13 साल पहले अपने फिल्म के डायरेक्टर रवि श्रीवास्तव पर किस वाले सीन्स को बार बार रीटेक करने को लेकर मीटू का आरोप लगाया। संजना गलरानी ये आरोप लगाती है उनके डायरेक्टर को, शायद रवि श्रीवास्तव है उनका नाम, कि उन्होंने बार बार एक सीन जो चुंबन का सीन था या बेड सीन था तो बार बार वो कट करवाते थे और बार बार उनको बोलते ये नहीं चुंबन ऐसा करना है वैसा नहीं करना है। तो इसी बात पर बवाल मच गया। अपनी अदाओं से आग लगाने वाली इस जहरीली हसीना ने साल 2019 में एक पार्टी में कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर वंदना जैन के सिर पर बियर की बोतल से वार कर दिया था और ये मामला भी थाने तक पहुंचा था। रिपोर्ट जरूर हुआ था कि एक कहीं उनका रेस्टोरेंट में या कहीं उनका मीटिंग हो रहा था तो उनमें बातचीत हुई तो अनबन हो गई तो ये कौन ये संजना ने बियर का बोतल उठाया और दे मारा। हसीन हुस्न पर नशे का खुमार चढ़ गया, बननी थी हस्ती, शख्सियत राह बाजार हो गया। अब ना वो हसीन है न हसीना, नशे में है वो मदहोश, है वो जहरीली गुड़िया। सैंडलवुड से लेकर ड्रग्स के जहर तक से बॉलीवुड के हसीन चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। मौज मस्ती से निकली ये जो कहानी है वो कब जुर्म की शक्ल अख्तियार कर लेती है पता भी नहीं चलता, लेकिन यकीन मानिए कोई भी जुर्म ऐसा नहीं होता जो आपको सलाखों के पीछे न पहुंचा दे। इसीलिए हम आपको करते हैं खबरदार कि बचकर रहिए ऐसी हसीना से, क्योंकि ये हसीना आपकी जान पर भी भारी पड़ सकती है। नमस्कार।